नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, रीट शिक्षक भर्ती 2021-22 को लेकर आप सबके लिए इस समय की बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में बात करूंगा रीट को लेकर एक नोटिस भी जारी किया गया है कार्यालय निदेशक प्राथमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा। दोस्तों, इस नोटिस में क्या क्या आ गया है और इसी के साथ जो भजनलाल है दोस्तों, उसको गिरफ्तार करने के बाद उसने स्कूल में प्रिंट करके हजारों लोगों को पेपर बेचा है। दोस्तों, 8 से 10 लाख के अंदर पेज पर है वो बेचे गए हैं, जिसमें JEE कॉन्स्टेबल काफी सारे जो है गवर्नमेंट ऑफिसर भी शामिल हैं। तो ऐसे में आपकी जो भर्ती है दोस्तों, रद्द भी हो सकती है, कोर्ट में इसकी सुनवाई भी होगी। और जब पेपर ही आपका दोस्तों हजारों लोगों के पास पहुंच चुका है, तो ऐसे में पेपर की क्या विश्वसनीयता रह जाती है दोस्तों, और जो वास्तव में ही तैयारी कर रहे हैं उनको कितना नुकसान होगा, इसको आप खुद भी सोच सकते हैं। तो देख सकते हैं, रीट परीक्षा का पेपर लीक मामला है दोस्तों, मास्टर लाइट भजनलाल की गिरफ्तारी शुरू, अन्य दो अभियुक्त रामलखन जाट JEE और अमृतलाल हुए हैं गिरफ्तार। भजनलाल और गिरफ्तार दो को कोर्ट में किया गया है पेश, 27 जनवरी तक लिया गया है तीनों को रिमांड पर। जी हाँ दोस्तों, पूरे प्रकरण में अब कुल 33 अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हो चुकी है। रीट पेपर लीक, भजनलाल ने पेपर लेकर पत्नी और रिश्तेदारों को देने वाले JEE समेत दो को गिरफ्तार किया है दोस्तों। और जो स्कूल था दोस्तों, जिस रवि का स्कूल जिसे पहले गिरफ्तार किया गया था, उसको दोस्तों उसी के स्कूल में इस पेपर को प्रिंटर की सहायता से दोस्तों प्रिंट निकाले गए थे, ये देख सकते हैं दोस्तों। उन्हें पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। रामलखन ने आरोपी रवि के स्कूल में परीक्षा से पहले प्रिंट निकालने के साथ प्रिंटर की व्यवस्था की थी, साथ ही रिश्तेदारों को पेपर दिया था, उसने पत्नी को भी पेपर दिया था। मामले में अभी तक दो JEE, दो कॉन्स्टेबल सहित 33 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो आप खुद सोच सकते हैं दोस्तों, सख्त सख्त कानून बनाना चाहिए सरकार को, क्योंकि जो वास्तव में मेहनत करते हैं, अब आप सोच सकते हैं अगर एक के पास पेपर जाएगा तो अगले अपने रिश्तेदार या रिलेटिव को जरूर पेपर भेजेगा। इस प्रकार से हजारों लोगों के पास रीट का पेपर गया, तो आप सोच रहे हैं कि कट ऑफ कम जाएगी, बिल्कुल नहीं जाएगी। इसीलिए मैं लगातार आपसे कह रहा था, या तो पेपर को रद्द करवा कर या फिर पात्रता घोषित करके दोबारा से पेपर करवाना चाहिए, या फिर 50,000 पद करने चाहिए ताकि स्टूडेंट को जो है राहत मिले, और जो जिनों के पास पेपर पहुंचा है दोस्तों उनको भर्ती से बाहर करना चाहिए और सबको गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा यहां पर देनी चाहिए। इसी के साथ दोस्तों, एक नोटिस भी जारी किया गया है कार्यालय निदेशक द्वारा, जिसमें क्या कहा गया है, इसमें दोस्तों आपके जो डाउट थे, क्वेश्चन थे मन में, उन क्वेश्चनों के जवाब दिए गए। क्या अभ्यर्थी एक से अधिक आवेदन कर सकता है? तो पंचायती राज्य नियम तथा विभागीय विज्ञप्ति के प्रावधानों के अनुसार अभ्यर्थी एक से अधिक पद हेतु पात्रता रखता है तो पद के लिए पृथक पृथक आवेदन कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने L1 L2 दोनों एग्जाम दिए हैं, आपके पास BSTC और BEd दोनों है, तो आप अलग अलग आवेदन कर सकते हैं। क्या राजस्थान में अनुसूचित क्षेत्र के आशार्थी गैर अनुसूचित क्षेत्र के आशार्थी विज्ञप्ति पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं? तो हाँ, कर सकते हैं। यहाँ पर आपके कुछ क्वेश्चनों के जवाब हैं, स्नातक के अंक कैसे बनने हैं? तो अभ्यर्थियों को स्नातक की अंतिम वर्ष की अंक तालिका में अंक 3 वर्षों के पूर्णांक और प्राप्त अंक बनने हैं। ऑनलाइन आवेदन में केवल किसी वर्ष अथवा केवल विषय के अंक नहीं भरे जाने हैं, यानी लास्ट ईयर के जो है आवेदन भरने हैं स्नातक के। यहाँ पर आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। विशेष शिक्षा के पद पर आवेदन करते समय RSCI पंजीकरण प्रमाण पत्र के क्रमांक एवं दिनांक बनने में समस्या आ रही है, तो ऑनलाइन आवेदन में विशेष शिक्षा के पदों हेतु RCI पंजीकरण प्रमाण पत्र के क्रमांक एवं दिनांक बनने की अनिवार्यता नहीं है। RCI पंजीकरण का क्रमांक एवं दिनांक बनना वैकल्पिक है। तो यहाँ पर आपके सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं दोस्तों, जो भी आपका है। क्या सीटेट अभ्यर्थी जो है रीट के लिए आवेदन कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते हैं। स्नातक के विषय के भरते समय क्या समस्या आ रही है, उसके बारे में भी यहाँ पर पूरी जानकारी दे रखी है। तो आपके सारे डाउट यहाँ पर दोस्तों क्लियर किए गए हैं, आपको जो भी डाउट बन रहे थे। और अब दोस्तों गिरफ्तारी होना स्टार्ट हो गया है, कोर्ट में इसको लेकर सुनवाई होगी, और ये पेपर है, या तो इसकी पात्रता घोषित करके एक और पेपर कराना चाहिए, क्योंकि दोस्तों कट ऑफ आपकी जो है सोच से काफ़ी ऊपर जाने वाली है। हजारों लोगों के पास ये पेपर पहुंचा है, खासकर दोस्तों L2 का पेपर। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।